बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबिया मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही एक रिक्वेस्टेड रेसिपी, जिसकी मेरे फ्रेंड्स ने और कुछ रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और ईजी सी है, ब्राउनी की है, जिसे आप 3-4 मिनट में बहुत ईजीली बना सकते हैं। बट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स वेरी केयरफुली। जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी में आपने गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि ये बनेगी माइक्रोवेव में। ना आपको कोई तवा यूज़ करना है इसके लिए, ना पैन चाहिए और ना ही अवन की ज़रूरत होगी। तो चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया शुगर, विच इज़ 1 कप ग्राउंड शुगर। आपने इसको ग्राइंड करके ही यूज़ करना है, ठीक है। 3/4 कप मैदा, 1/2 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। ये कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे। शुगर को नहीं करना, हम सबसे पहले जो है एक सीव मैंने ले लिए, क्योंकि जब भी हम बेकिंग करते हैं इन चीज़ों को जो है वो एक तरह से छानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसके जो भी लम्स वगैरह कुछ ना बने जब आप इनकी मिक्सिंग करें, ठीक है। और साथ में जाएगा बेकिंग पाउडर भी, दैट्स इट। अच्छा, कप मैंने लिया है स्टैंडर्ड कप, कोशिश करें आप भी लें। नहीं है तो जो कप आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करें वो सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए आप वही कप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा हम स्ट्रेन कर देते हैं, छान लेते हैं, ताकि हमारे ये जो कोई भी इसके अंदर जो भी गुठलियाँ सी हैं वो ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है और अब इस तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आपने मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप इसमें अपने ये ऑयल वगैरह को शामिल करें तो फिर वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी सी ना आए, ठीक है। आप यहाँ पे इस टाइम पे सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे, जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी इसमें जाएगी, अभी मैंने देखें शुगर को ऐड नहीं किया, ठीक है। शुगर को हम एंड पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है बटर, जिसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, 3/4 कप बटर। और ऑयल जो है वो मैंने लिया है साथ में 2-3 टेबल स्पून, रफली मिला के ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर आपका 1/2 कप बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो अपने बैटर में इसको ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगे 2 एग्स, जो कि मैंने लिए हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके शुगर, पहले मैं 1/2 डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, वरना आप इकट्ठे डालेंगे तो फिर ये आपसे मैनेज नहीं होगा। अच्छा जी, इस वक्त इसमें जाएगी एक और चीज़ जिससे कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, और वो है 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। तो यहाँ पे जो है ये रेडी है, और आप इस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इतना थिक होना चाहिए, आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो बस अब आपने क्या करना है, कोई भी डिश ले लें, आपके पास स्क्वायर है, ओवल है, कुछ है, जैसे आपकी मर्जी है आप उसको ले लें। और इसको सबसे पहले आपने करना है ग्रीस विद ऑयल, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा कर लेंगे, तो यहाँ से अच्छी सी इस पैन की इसकी अपने डिश की ग्रीसिंग करने के बाद मैं इसको इसमें पोर कर लूँगी। तो ये अच्छे से पोर हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करके आपने रखना है इसको माइक्रोवेव में फॉर 4 मिनट्स इनिशियली। उसके बाद आपने इसको चेक करना है, अगर आपको लगे नहीं हुआ तो फिर आप इसको रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो चलिए जी, आफ्टर 5 मिनट्स मेरी ब्राउनी बन के रेडी है। इसके नीचे से मैंने बटर पेपर जो है उसको रिमूव कर दिया और इसको डिश आउट कर दिया। इस टाइम पर आप इसको चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक कि ये कम्प्लीटली रेडी है, ये क्लीन है, इसका मतलब है ये बिल्कुल फुली कुक्ड है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है, कुछ भी चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, आपका जो भी दिल चाहे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।